नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा अगर। मुद्दा अगर बात करेंगे हम कांग्रेस के लगातार होते प्रभाव को लेकर। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने देश में शासन किया है, कांग्रेस शिखर पर रही है, और लेकिन लगातार पिछले दो चुनावों से कांग्रेस का ग्राफ जो है नीचे गिरता जा रहा। आखिरकार ऐसे क्या कारण हो गए कि जो जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश की में लंबे समय तक शासन किया हो, जिस कांग्रेस पार्टी की कई प्रदेशों में राज्य सरकारें रही हो, उस कांग्रेस पार्टी का लगातार ग्राफ क्यों गिरता जा रहा है? ऐसे कौन से कारण हैं जिनके चलते कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिर रहा है? इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं एलएल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूर्व अध्यक्ष है पिंचिटी प्रेस क्लब के। आपका स्वागत है शर्मा जी। प्रदीप लोढ़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लोढ़ा जी। प्रदीप जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी के लंबे समय से रिपोर्टिंग की है, नज़दीकी से देखा है, राजनीति में आपकी गहरी पैठ है, आपको क्या कारण लगते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का ग्राफ जो है लगातार क्यों गिर रहा है? आखिरकार ऐसे कौन से कारण हैं जिनके चलते कांग्रेस पार्टी जो है लगातार उसके सरकारें प्रदेशों में नहीं है, केंद्र में सरकार नहीं बन पाई, और जिस तरह से विपक्ष में भी उनको अपना नेता बनाने के लिए कहीं ना कहीं सांठगांठ की जरूरत पड़ रही है, दूसरे संगठनों की तरफ, दूसरी पार्टियों की तरफ मुंह देखना पड़ रहा है, तो ऐसा क्या कारण लगता है आपको? कांग्रेस का जो जनाधार घटने का जो मुख्य कारण है वो ये, कांग्रेस का जो यूथ कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए था वो यूथ नहीं जुड़ पा रहा है। कांग्रेस का यूथ मूवमेंट पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। दो मरतबा कांग्रेस में यूथ मूवमेंट चला था, एक तो संजय गांधी के समय, तो उस समय बड़ी संख्या में नेता कांग्रेस में जुड़े थे, वो नेता उनमें से कई आज भी बड़े शीर्ष के पदों पर हैं। उस समय अंबिका सोनी जुड़ी थी संजय गांधी के समय, गुलाम नबी आज़ाद थे वो भी आज शीर्ष के पदों पर हैं, जनार्दन सिंह गहलोत है वो राजस्थान में आज भी अच्छी पोजीशन के अंदर हैं, अहमद पटेल जी थे वो कोषाध्यक्ष हैं पार्टी के, अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी अलग पार्टी बनाकर बंगाल से मुख्यमंत्री है, प्रियनंदा मुंशी भी बहुत अहम पदों पर रहे हुए हैं। उस समय कई और भी आए थे, जगदीश टाइटर भी आए थे, डंपी भी आए थे, एक सुल्ताना भी आई थी, ऐसे कई जो हैं, संजय सिंह जी भी थे, वो संजय गांधी के समय का जो यूथ मूवमेंट था उस समय खड़े हुए और वो शीर्ष के पदों पर पहुँचे। खड़े तो बहुत सारे निकले होंगे, कोई जिला लेवल पर था, कोई प्रदेश स्तर पर था, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर ये चमके। इसके बाद राजीव गांधी जी का समय आया, उस समय फिर एक बार यूथ कांग्रेस यूथ मूवमेंट चला, NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवादल, तीनों की तरफ राजीव गांधी ने विशेष ध्यान दिया और कांग्रेस का जनाधार उस समय मजबूत हुआ। राजीव गांधी ने 18 साल के युवाओं को मतदान का अधिकार भी दिया, तो जो आज युवाओं को बहुत बड़ी सौगात है वो कांग्रेस ने दी, लेकिन इसके बावजूद भी जो आज हम देखते हैं वो यूथ कांग्रेस से कट रहा है, और ये कटने के कारण ही जो कांग्रेस का में जो यूथ मूवमेंट में कमी आई है, इसने कांग्रेस के दो एक निर्णय दोषी जिम्मेदार हैं जो गलत निर्णय हो गए, या निर्णय अच्छी सोच के साथ किए गए लेकिन उसका गलत इम्पैक्ट पड़ा और वो गलत तरीके से लागू हो गए, इसलिए कांग्रेस में न तो वोट बन पा रहे हैं आगे, वोटर जुड़ पा रहे हैं बन पा रहे हैं वोटर, न कोई नेता नहीं पैदा हो पा रहे हैं। राजीव गांधी जी की अपन चर्चा करें, राजीव गांधी जी के जो उनका मूवमेंट हुआ था उस समय मुकुल वासनिक आए, अविनाश पांडे आए, रमेश चेनीतल आए, वीके हरिप्रसाद आए, आनंद शर्मा आए, गुरुदास कामत आए, हरीश रावत आए, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, कई नेता आए। राजस्थान में भी अपन चर्चा करें तो राजस्थान में दो दर्जन नेता ऐसे भी दिखते हैं जो अभी सक्रिय है राजनीति में, जो राजीव गांधी के मूवमेंट यूथ मूवमेंट में NSUI यूथ कांग्रेस में वजूद में आए, उन्होंने तेजी से विकास किया। विष्णु मोदी है, रघु शर्मा हैं जो आज मंत्री हैं, अश्क अली टांक है वो दो बार तीन बार सांसद रह चुके हैं, जुबेर खान हैं आपके, केसी विश्नोई, प्रभात ठाकुर, नीलिमा शर्मा, संयम लोढ़ा, कई लोग हैं, अरुणा स्वामी हैं, CP जोशी जो बहुत राष्ट्रीय स्तर पर नेता रह चुके हैं, पार्टी के पदाधिकारी मंत्री रह चुके हैं, वो भी इस यूथ मूवमेंट के समय। राजीव सही कहा प्रदीप जी आपने, कहीं ना कहीं यूथ मूवमेंट से कई ऐसे नेता निकले कांग्रेस पार्टी की जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग से पहचान बनाई, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो यूथ मूवमेंट से कांग्रेस के नेता नहीं निकल पा रहे और यूथ मूवमेंट के नाम पर कांग्रेस पार्टी में सिर्फ ले देकर कुछ अध्यक्ष बन जाते हैं, जिनको अध्यक्ष बनने के लिए लंबा चौड़ा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि जो सामान्य कार्यकर्ता है वो तो शायद उस मूवमेंट तक पहुँच ही नहीं पाता है। LL शर्मा जी हमारे साथ बैठे हैं। LL जी, आपको क्या लगता है, वाकई में कांग्रेस पार्टी का जो यूथ मूवमेंट था पिछले कुछ सालों में कमजोर पड़ गया है,
या उससे जो आम युवा है, जो आम सामान्य कार्यकर्ता था, जो गरीब किसान मजदूर का जो बेटा था, वो नहीं जुड़ पा रहा है, या सिर्फ जो प्रोफेशनल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वही जुड़ पा रहे हैं और उनकी जो भावनाएं हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ शायद नहीं है, ऐसा लगता है। उनको एक मकसद होता है, चुनाव जीतें, फिर पार्टी में कोई बड़ा पद मिले उनको और उसके बाद संगठन जाए भाड़ में। ये बात सही है नीरज जी कि सन 2000 के बाद में कांग्रेस में यूथ राजनीति लगभग खत्म सी हो गई। 2000 से पहले की अगर बात करें तो यूथ को आगे बढ़ाने के लिए जो इनका लीडरशिप थी वो भी बहुत आगे रहती थी, उनको आगे बढ़ाती थी, उनको मौका देती थी आगे बढ़ने के लिए। जहाँ चुनाव की बात देखें तो यूथ को मौका मिलता था, चाहे उसको पंचायत राज में मौका मिलता था, चाहे उसको निकाय चुनाव में मौका मिलता था, या किसी न किसी पद को देख करके उसको आगे बढ़ाते थे। 2000 के बाद भी जब यूथ राजनीति का एक नया आया फेज और इन्होंने एक चुनावी सिस्टम शुरू किया, उसके बाद में केवल एक पैसे का चुनाव रह गया। जैसे अपने यहाँ राजस्थान की बात करें तो यूथ कांग्रेस का चुनाव इतना महंगा हो गया कि इस बार जो राजस्थान प्रदेश का जो चुनाव हुआ देश का, मतलब करोड़ों करोड़ रुपए के खर्च किए गए, जिसकी सबको अपने को जानकारी है। अब जो आदमी पैसा देके चुनाव लड़ेगा वो उसका पार्टी से कोई मन से लगाव नहीं रहेगा या कार्यकर्ताओं से उसका सीधा संपर्क नहीं रहेगा, इसलिए क्या कि आम कार्यकर्ता जो है वो चुनाव में दूसरी पार्टी का सपोर्ट तो नहीं कर पाता लेकिन अपनी पार्टी के लिए भी सही मन से और दिल से काम नहीं करता। अभी जैसे चार चुनाव में पिछले विधान लोकसभा के विधानसभा की बात करते हैं अपन, पिछले चार चुनाव में देखा है कि यूथ का जो लेवल कार्यकर्ता अपने कांग्रेस का, वो सिर्फ अपना वोट डाल के आ जाएगा या अपने घर वाले को वोट डलवा देगा, लेकिन वो पड़ोसी को जाके ये नहीं कहेगा कि आप कांग्रेस में चल के वोट डालिए। दूसरी पार्टियाँ हैं उनमें ये चीज़ है, वो क्या कि पूरे अपना उसको उनको एक टास्क दिया जाता है, उस टास्क को शाम तक वो 6 बजे तक जो भी मतदान का टाइम उस तक वो पूरा करता है। यहाँ क्या है कि अब पिछले देखो आप पिछले आप 10-12 सालों की बात करें तो शायद अब आप जयपुर में देख लो, आप जयपुर में ऐसा कोई यूथ का नया नेता पैदा नहीं हुआ जिसको हम ये कह सकें जिसकी पहचान हो। जहाँ तक एक नेता है प्रताप सिंह जी के अलावा आदमी कोई ऐसा कोई नेता पैदा हुआ नहीं है कि जिसको कि जनता में पकड़ो। जो भी आता है वो यहाँ तो नेता का बेटा आता है या फिर पैसा वाला आता है, जब पैसे वाला आएगा तो पैसे के हिसाब से काम करेगा, ये नेता का अगर बेटा आएगा तो उसके हिसाब से काम करेगा। और ये स्थिति रही तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तो लगातार दूसरा चुनाव शायद अपन बात करें, पिछली जो वसुंधरा सरकार थी राजस्थान में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने काफ़ी धरने प्रदर्शन किए होंगे अशोक चांदा जी ने, लेकिन आपको और हमको शायद याद नहीं है कि जयपुर शहर में यूथ कांग्रेस के किसी नेता ने मूवमेंट चलाया हो, अन्य जिलों में यूथ कांग्रेस के नेताओं ने मूवमेंट चलाया हो। तो इसे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं यूथ जो है उसको दरकिनार किया गया और जिनको बनाया गया, जिनको जिम्मेदारी दी गई, वो लोगों को जोड़ नहीं पाए शायद। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना आपको, जैसे यूथ की जो लीडरशिप थी राजस्थान की, जैसे आप महेश जोशी का उदाहरण ले लेते हैं अपन जी, या रघु शर्मा जी का उदाहरण ले लेते हैं, इन दोनों नेताओं के बाद में ऐसा कोई लीडर पैदा नहीं हुआ कि जिसने अपनी कोई पहचान बनाई हो या यूथ लीडर के नाम पर उसने कोई काम किया हो। मुझे याद जहाँ प्रताप सिंह जी का सवाल है, प्रताप सिंह जी ने क्या कि खुद ही शुरुआत में जुजारू नेता का अपने नेता के हिसाब से आए, फिर वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम किया उन्होंने, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको जब तक वो जो नहीं थे तो वो कांग्रेस में आ गए और उसी स्टाइल से कांग्रेस में आके उन्होंने काम किया, जैसे कच्ची बस्ती के लिए काम करना, अपना एक पैरेलल संगठन भी था, एक संगठन बना हुआ। लेकिन राजस्थान में मतलब इनके बाद में मतलब जो है क्या नाम से अपने रघु शर्मा जी और महेश जोशी जी, इनके बाद में यूथ का कोई ऐसा लीडरशिप पैदा नहीं हुई और न ही लोगों ने होने दी कि ताकि वो आगे बढ़े। जबकि ऐसा नहीं है प्रदीप जी, मेरे हिसाब से कई छात्र संघ अध्यक्ष NHUI के भी जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, जोधपुर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन उन छात्र संघ अध्यक्षों में से 2-4 लोग अभी सक्रिय राजनीति में भी है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक उनकी भूमिका नहीं रही। नहीं, उनकी पैदाइश जो है वो कांग्रेस से नहीं हुई है, वो अपने जातिगत आधार पे छात्र संघ के अध्यक्ष बने और उनको टिकट दे दिया गया, उनको टिकट दे दिया गया, वो नेता बन गए, उसको फिर उनको किसी को MLA का टिकट दे दिया गया, तो उसको आप यूथ मूवमेंट से कोई पैदा हुआ नेता नहीं मानो आप उनको। बिल्कुल सही कहा, यूथ मूवमेंट से एक सामान्य वर्ग का, एक गरीब परिवार का, आप सोच भी नहीं सकते जो कांग्रेस में जो सिस्टम हो गया है। राहुल गांधी ने कहा, सोचा था कि क्रीम में से क्रीम छाटेंगे, लेकिन भर्ती जब जो सदस्यता होगी वो ऐसी होगी जो पता ही नहीं होगा। अध्यक्ष बनने के लोगों ने फर्जी मेंबरशिप दी, अनाप शनाप, इधर गली मोहल्ले के जिसको बनाया बना दिया ताकि गिनती के आधार पर वो अध्यक्ष बन जाए, वोट के आधार पर बन जाए, 10-10 करोड़ रुपए खर्च करके प्रदेशाध्यक्ष बनते हो, तो वो पार्टी के प्रति क्या समर्पित होंगे? हो सकता है उनका व्यक्तिगत जुड़ाव हो, कुछ नेताओं का मान सबको सब पे मैं आरोप नहीं लगाता ऐसा, लेकिन कुछ नेताओं ने पैसा, लेकिन उनके पास पैसा था इसलिए उनकी रुचि थी इसलिए वो उसको आगे बढ़ा पाए उस मूवमेंट को, और आज
अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन किसी की रुचि है पार्टी में काम करने की, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस में आने की सोच नहीं सकता। जब मनोनयन होता था, आपको लगता मनोनयन होता था जब ज्यादा मौका मिलता था, मनोनयन होता था, आम आदमी को अवसर मिलता था, आम आदमी को अवसर मिलता था, जो नेता होते थे वो अपने स्तर पे उसको जोड़ते थे, अच्छे तबके के लड़कों को हर जगह अपना नेटवर्क बनाते थे, एरिया वाइज जोड़ते थे, उनको मदद करते थे, उनसे प्रोग्राम करवाते थे, वो उनकी ताकत बन के, अब वो जो जीत के आता है वो MLA के बराबर खड़ा बैठ जाता है कि मैं तो खुद ही MLA हूँ, मैं खुद ही मालिक हूँ, वो MLA को गिनता ही नहीं है। तो जब तक MLA का सम्मान नहीं करेगा या वहाँ का जो लोकल लीडर है, ब्लॉक अध्यक्ष है, यूथ कांग्रेस का नेता, उसका सम्मान नहीं करेगा तो कांग्रेस आगे कैसे बढ़ेगी। और अब वो करे, अब जब भी करेगा, जब मनोनयन सिस्टम हो वापस, पार्टी लावे, क्या लग सर मुझे, आपको लगता है मनोनयन जब होता था नेताओं का, वो एक सही तालमेल, सही सामंजस्य होता था पार्टी की तरफ से? वो होता था कि एक जैसे चार सीट है, चार मुख्य संगठन है इनके, कांग्रेस हो गई, सेवादल हो गया, महिला कांग्रेस हो गई, यूथ कांग्रेस हो गई, फिर NSUI हो गई, तो और यूथ, तो सब में अलग अलग वर्ग के तबके के लोगों को एडजस्ट किया जाता था कि इसमें सामान्य वर्ग हो गया, इसमें आरक्षित वर्ग के लोग हो गए, इसमें महिला हो गया, इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग हो गया वो, इसमें किसान वर्ग हो गया, तो ये तमाम बातों का भी ख्याल उसमें रह जाता था। लेकिन अब तो जिसके पास पैसा होगा वही अध्यक्ष बनेगा, वही पदाधिकारी बनेंगे, तो बाकी जो लोग वोट बैंक जिनको समझते थे, जो जो जुड़ना चाहते थे वाकई में, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो तो जुड़ नहीं पाते। देखो नीरज जी, जिस भी संस्था में मनोनयन का सिस्टम है वो काम अच्छा होता है, क्योंकि उस आदमी को भी पता रहता है कि अगर मैं काम ढीला करूंगा या ढिलाई बरतूंगा तो हटा दिया जाऊंगा, मेरे को हटा दिया जाएगा। जहां चुनाव जीत करके आता है तो वो ये समझता है कि मैं ही राजा हूं यहां का और मैं अपने हिसाब से चलता हूं, वो किससे क्या संबंध रखता है वो अपना खुद तय करता हूं। मनोनयन में ऐसा नहीं होता है। आप ये देखो, यूथ कांग्रेस का जमाना था राजस्थान में, जैसे विष्णु मोदी जी थे या KC विष्णु जी थे, उस जमाने तक हमने देखा, और भी क्या, और नीरज डांगी भी शायद एक बार अध्यक्ष रहे थे, उस जमाने तक मनोनयन का एक सिस्टम था और ये लोग पार्टी के लिए काम करते थे, ईमानदारी से काम करते थे, विधायक भी इनको तवज्जो देते थे, ये लोग विधायकों का भी सम्मान करते थे। लेकिन अब उल्टा हो रहा, न तो विधायक इनका सम्मान करते हैं और न ही विधायकों को ये सम्मान करते हैं, कि जो विधायक होता है वो अपने हिसाब से सिस्टम शुरू करता है, अपने हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं करता है वो, तो इसलिए ये इनका सम्मान की जो दूरियां तो है ही है, लेकिन एक आपस में तालमेल भी नहीं होता है। विधायक का टारगेट अलग होता है, यूथ कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष होता है, जिला अध्यक्ष, उसका टारगेट अलग होता है। जब इनके खींचतान होती है तो वो देखता है यार मैं क्यों विधायक के लिए काम करूं, तो एक ये चीज़ भी आई है इसमें। अगर ये चीज़ मनोनयन वापस आ जाता है, अगर यूथ कांग्रेस में आता है, तो मेरा ये मानना कि जो सिस्टम पहले बना था, जिस तरह से यूथ जुड़ा था कांग्रेस से और जिस तरह से मतलब जमीनी लेवल पर वो काम करता था, वो वापस एक शुरुआत हो सकती है और एक आम कार्यकर्ता भी यूथ का अध्यक्ष बन सकता है, लीडरशिप कर सकता है। अभी जो हालात है, जो अभी जिस सिस्टम है उसमें, जैसे अभी चुनाव के खर्चे वाली बात आई, तो जो चाहे कितना ही दिमाग वाला हो, कितना ही उसके पास है, लेकिन बेचारा कोई गरीब आदमी है वो तो इसका अध्यक्ष नहीं बनता। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई गरीब व्यक्ति, सामान्य परिवार का व्यक्ति, किसान परिवार, मजदूर परिवार का व्यक्ति, जो कांग्रेसी विचारधारा का भले ही कट्टर समर्थक हो, लेकिन अगर उसकी जेब में पैसा नहीं है तो वो किसी भी पद पर चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव लड़ भी लेगा तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब करोड़ों रुपया खर्च करने वाला पूरे प्रदेश में घूम घूम कर अपने वोट बनाता है तो वो उनकी टक्कर में भी कहीं खड़ा नहीं हो पाता, और यही कारण है कि जो पैसे वाला होता है वो उस अध्यक्ष पद पर काबिज हो जाता है, फिर वो अपनी मनमर्जी से काम करता है लेकिन संगठन को वो तवज्जो नहीं दे पाता। आपको लगता है प्रदीप जी अब वापस इस विषय में सोचना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को देखना होगा कि आखिरकार जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी है, जब हम कह रहे हैं हमारा देश सबसे ज़्यादा युवाओं का है और हम युवाओं को ही जोड़ने में असफल हो रहे हैं, तो क्या आप लगता है वापस से नए सिरे से इस पर विचार करना चाहिए? यदि कांग्रेस को अपना जनाधार वापस, खोया हुआ जनाधार पाना है और उसको युवाओं में घुसपैठ करनी है, तो उसको इस जो निर्णय था जो चुनाव कराने का, इसको इस पर नए सिरे से सोचना होगा। चाहे राहुल गांधी तक पूरी जानकारी पहुँचाई जाए, पार्टी रिपोर्ट बना के एक बार राहुल गांधी इसको सर्वे करवाएं और ये देखें कहाँ इससे फ़ायदा हुआ। जो स्वाभाविक रूप से जो नेता तैयार होते थे नीचे से, अब इस सिस्टम में नहीं हो रहे हैं, और यही कारण है कि पहले पिछले चुनाव में 2014 में शहरों में नुकसान हुआ युवाओं में, इस बार ग्रामीण इलाके में यूथ पूरा का पूरा भाजपा और मोदी करते हुए चला गया। ये पार्टी को सोचना पड़ेगा और इस पर विचार करना पड़ेगा। जो अभी सिस्टम में जो नेता बन रहे हैं, जो चुन रहे हैं, उसको पार्टी की रीति नीति इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। वो कोई ठेकेदार का लड़का है, कोई नेता का लड़का है, कोई पैसे वाले का लड़का है, वो उस पैसे के दम पे चुनाव जीत गया है और उसने
गाड़ी के पीछे लिखवा लिया फलाना लोकसभा अध्यक्ष, फलाना विधानसभा अध्यक्ष, और राज है तो छोटे मोटे उसके काम चलते रहे, उसका रुआब कायम रहे, उससे ज़्यादा उसकी कोई रुचि नहीं है। पिछली मरतबा जब कांग्रेस सरकार थी तो इस राजधानी जयपुर में यूथ कांग्रेस की ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऐसा कभी देखा नहीं गया कि एक अग्रिम संगठन अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन हुआ तो कहीं कोई रोक टोक है नहीं, कहीं चेकिंग नहीं है। वो 5 साल तक लल्लू लाल जी ने बोला, सही बोला उन्होंने शर्मा जी ने, तो कहीं उनको वो काम नहीं कर रहा है तो भी कोई उनकी देखने वाला नहीं है कि साहब उसके पास पट्टा हो गया 5 साल के लिए। कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो चुनाव जीत कर आता है साम दाम दंड भेद के आधार पर, उसको पार्टी की रीति नीतियों से कोई वास्ता नहीं होता। वो अपना टारगेट फिक्स रखता है और टारगेट को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। किस तरह से कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, प्रदीप जी ने बताया कि जिस तरह से यूथ कांग्रेस और NSUI में जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोर हुई है पार्टी, और पार्टी में जो आपसी जुड़ाव होना चाहिए पार्टी के पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में जुड़ाव नहीं हो पाता। जब पदाधिकारी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे संगठन में पद पाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनमें आपसी वैमनस्यता बढ़ती है, और उस वैमनस्यता के चलते जब चुनाव होते हैं या अन्य बात होती है तब वो एक दूसरे के खिलाफ अपनी दुश्मनी निकालने का प्रयास करते हैं, और यही कारण है कि नए लोगों को जोड़ नहीं पाते। और जब पार्टी को उनकी दरकार होती है, पार्टी को उनके संगठन की आवश्यकता पड़ती है, तब भी इस बात की कमी महसूस की जाती है। अलल जी, आपको लगता है वाकई में कहीं ना कहीं जब, क्योंकि पैसे के आधार पर जब चुनाव लड़ते हैं सभी एक पोस्ट पर, 10 लोग खड़े हुए, 10 लोगों ने एक पोस्ट के लिए चुनाव लड़ा, और लड़ने के बाद में एक चुनाव जीत गया, दूसरे जो कम वोट वाला है उसके कम और अलग अलग उनको पद भी दे दिए जाते हैं, लेकिन कहीं जो वैचारिक मतभेद उनके बीच में चुनाव को लेकर हो जाता है वो दूर नहीं हो पाता। ये हर संस्था में होता है, यूथ कांग्रेस में भी इससे अछूती नहीं है। जहाँ चुनाव सिस्टम होता है और जो सामने वाला जब हारता है तो उसका मतभेद जरूर होता है, चाहे कोई से भी संस्था ले लो। जी बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक पार्टियों का सवाल है, पार्टियों में ये होता था चुनाव हो गया, चुनाव खत्म होने के बाद में सब काम करने लग जाते थे। 2000 पहले तक ये स्थिति प्रदीप जी की सब एक साथ जुट करके एक मंच पर आकर के काम करते थे, काम बांटते थे। लेकिन जब से ये सिस्टम यूथ कांग्रेस में आया है उसके बाद ये सिस्टम भी इनके खत्म हो गया। मैं आपको बता दूं, जब राजीव गांधी जी ने यूथ कांग्रेस के लिए काम किया तो यूथ के लिए एक फार्मूला लेके आए थे वो, और हिंदुस्तान में IT को उन्होंने एक नया आयाम चुना, और IT के लिए उन्होंने अलग से 3% बजट दिया था कि, और उससे क्या यूथ जुड़ा, उससे IT में यूथ इतना आगे बढ़ा। रही बात है कि उस समय एक ईमानदार से पालन होता था कि 35 साल तक का आदमी यूथ कांग्रेस में काम करेगा, अब या तो कुछ 46 साल का आदमी यूथ है, यही पता नहीं चल पाता कि यूथ की उम्र क्या, कितना कितने साल तक है यूथ। एक तो ईमानदारी से इनको यूथ की उम्र तय करनी पड़ेगी कि 35 साल के बाद में वो आदमी संगठन यूथ में नहीं काम करके वो और संगठन में काम करेगा। इनका अध्यक्ष जो है यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, वो भी 35 साल तक की उम्र का ही बनाया जाए। अब आप बात करो, 28 साल का लड़का अगर मान लो आपका कार्यकर्ता और वहाँ 52 साल का आदमी यूथ का अध्यक्ष बना, तो उसके दिमाग वैसे ही बैठ जाएगी कि ये काहे का यूथ है। तो इसलिए ये चीज़ मानसिकता को इनको दूर करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ी बात है कि मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो प्रदीप जी की बात से सहमत हूँ कि जो इन्होंने सिस्टम शुरू किया चुनाव का, वो चुनाव का सिस्टम बिल्कुल इनको खत्म कर देना चाहिए और वापस उसी पुराने डर पे इनको चुनाव कराना चाहिए। जो जीता वो अध्यक्ष, अलग अलग चीज़ का जो मनोनयन का सिस्टम हो, मनोनयन कर दे कि ये मनोनयन जो था पहले होता था उसी को वापस करना चाहिए, और मनोनयन अध्यक्ष अपने एक कार्यकारिणी वो घोषित करे, अपने लोगों को शामिल करे, और वो क्या बूथ लेवल तक मैनेजमेंट करे। ये बात तभी बढ़, बाकी इन चुनाव इस तरह जैसे चुनाव हो रहे हैं आज, मान लो अशोक चांदना जी हैं निर्वाचित, मतलब है वोटों से चुनाव जीत के आए, आज अगर वो उसके सामने कोई बहुत बढ़िया वर्कर भी है तो वो इसलिए नहीं ले पाएगा कि वो पिछले चुनाव में मेरे साथ नहीं था। हाँ। वो केवल अपने आदमी को ही वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, और उनके बाद में जो दूसरे नंबर पर रहा, जो तीसरे नंबर पर रहा, जो चौथे नंबर पर रहा, उनके दिमाग में ये रहती है कि मैं एक समय तो ऐसा था कि मैं अध्यक्ष पद का दावेदार था और आज मैं बिल्कुल है ना जो सही जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा हूँ। तो वो चीज कहीं ना कहीं इनके कलस्ट कहीं ना कहीं सारे प्रत्याशियों को बना दिया, पदाधिकारी बन जाते हैं, पार्टी का भला करने के बजाय पार्टी का बुरा ज्यादा हो रहा है, बुरा ज्यादा हो रहा है। प्रदीप जी, आपको लगता है कि जिस तरह प्रिय रंजन दास मुंशी जी का सुनते हैं कि उन्होंने जो संगठन थे इस तरह के NSUI यूथ कांग्रेस, उसमें बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने उनके बड़ा योगदान है, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया पार्टी को, उन्होंने पूरा यूथ मूवमेंट खड़ा किया संजय गांधी के समय से, राजीव गांधी के समय उसको और बढ़ाया उन्होंने, और अशोक गहलोत जी ने कई प्रदेश में कई राष्ट्रीय स्तर NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, प्रभारी रहे, राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय प्रभारी रहे, यूथ कांग्रेस के भी रहे, सेवा दल के भी रहे,
एनएसयूआई के रहे, इनके ज़माने में खूब मूवमेंट बढ़ा, यूथ कांग्रेस का, एनएसयूआई का, सेवा दल का, तीनों संगठन आगे बढ़े। लेकिन अब जो ये सिस्टम है ना, इसमें न तो वोटर तैयार हो रहे हैं यूथ के अंदर, क्योंकि कोई उनको समझाने जाने को तैयार नहीं है, वहाँ कोई संगठन सक्रिय नहीं है पार्टी का। यदि यूथ कांग्रेस होती तो वहाँ इकाई होती, छोटी छोटी इकाई होती, ब्लॉक अध्यक्ष होते, रीति नीति समझाते, छोटे मोटे प्रोग्राम करते, तो एक कल्चर होती है, उससे एक डेवलप होती है कल्चर। कांग्रेस के बाद बहुत प्रोग्राम है, कांग्रेस का पूरा स्वतंत्रता का इतिहास है, कांग्रेस का संघर्ष का इतिहास है, कांग्रेस की रीति है, नीति है, कई योजनाएं हैं। कांग्रेस ने 18 साल वाले को, युवा को वोट का अधिकार दिया, आईटी लाई, देश का कायाकल्प किया कांग्रेस ने। लेकिन आज सब चीज़ें गौण है, कोई बताने को तैयार नहीं, यूथ मानने को तैयार नहीं, तो बताए कौन। तो यूथ कांग्रेस का मूवमेंट, एनएसयूआई का, यूथ का जो कांग्रेस मूवमेंट है वापस खड़ा होगा, तभी कांग्रेस का जनाधार नीचे तक बढ़ेगा। बिल्कुल कह रहे हैं कि यूथ तक कांग्रेस के प्रोग्राम पहुंचाने वाला यूथ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के जो लोग हैं उनको ही जानकारी नहीं है कि आखिरकार ये सब मूवमेंट जो थे ये कांग्रेस पार्टी के हैं। तो कहीं ना कहीं वो युवाओं को जोड़ने में असमर्थ हो पा रहे हैं। और आपने देखा होगा चुनाव में भी कि कांग्रेस पार्टी के कई स्थानों पर बीएलओ नहीं है, कई स्थानों पर उनकी पर्ची बांटने वाले नहीं देखे गए, जैसे कि आपने खुद ने बताया अभी, क्योंकि उनका लगाव नहीं रहा। नहीं, उसका कारण है ना कि जैसे आपके यहाँ मंडल अध्यक्ष बनता है कांग्रेस जी, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, वो जो ब्लॉक अध्यक्ष है वो जो बनता है, वो क्या है, ब्लॉक अध्यक्ष तो बन गया और उसने नेम प्लेट भी लगा लिया, देखा उसने लेटरहेड भी छपवा लिया, लेकिन वो अपने लोगों तक ही सीमित रहा, वो वार्ड में नहीं जा रहा, वो वार्ड में नहीं गया, वो आम जनता के से संपर्क में नहीं रहा, और वो बूथ मैनेजमेंट के बारे में समझ नहीं पाया कि बूथ मैनेजमेंट कैसे करना है, न दूसरे लोगों से जो सबक ले पाए वो। अपन बात करें चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट जो पिछले 4 साल से चल रहा था, बूथ तक वर्कर्स तो तैयार थे इनके। अब लोकसभा चुनाव में देखो आप कि कांग्रेस जब चुनाव में आए, पांच महीने पहले प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आती है और 5 महीने बाद भी उसका सूपड़ा साफ हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका वर्कर वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, वो समझ नहीं पाया कि मुझे वोटरों को कैसे लेके आना, कैसे लेके आना, जबकि ऐसी कोई बड़ी नाराजगी भी नहीं थी, कुछ नहीं नाराजगी, अच्छा काम था, 5 महीने पहले मैंडेट दिया है ना यहाँ की जनता ने। लेकिन इस बार जो 25 सीटों पर चुनाव हारना, इसका मतलब यह है कि आपका बूथ मैनेजमेंट कमजोर रहा, आप जनता तक नहीं पहुंच पाए, आप कांग्रेस की रीति और नीतियों के बारे में जनता को नहीं बता पाए। और यूथ बिल्कुल जो है जिस गति से मतलब इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ घुमा, उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस उनको रोकने में पूरी तरह असफल रही है। मेरा तो ये मानना है कि अभी भी कांग्रेस के पास वक्त है, वापस इस तरफ वो ध्यान दे। जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, राहुल गांधी जी का कि हम बहुत अच्छी तरह मंथन करके घी निकालेंगे, मैं तय कर रहा हूँ वो मंथन ऐसा हुआ कि वो छाछ भी नहीं बची यहाँ, इसलिए उसको मंथन को वापस मंथन नए सिरे से करें और यूथ को जोड़ने के लिए। आपको लगता है वापस नए सिरे से खड़ी हो सकती है कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, 136 साल पुरानी पार्टी है, कोई नई पहले ऐसा थोड़ी एक साहब कोई नई पार्टी 136 साल पुरानी, ये हाल हो। बिल्कुल सीधा कहा कि कहां कहां तो है, एक तरह से मंथन के बाद में घी निकालने की बात हो रही थी और कहां पर छाछ भी नहीं बची, तो कहीं ना कहीं कमजोरियां जो है उनको दूर करने की आवश्यकता है आपको लग रहा है? और वो कमजोरियां दूर करने के बजाय लग रहा है यहां तो एक दूसरे की टांग की चाय में ज्यादा समय खराब हो रही है, कर रही है कांग्रेस। नहीं, यहाँ तो हार का ठीक रहा है, एक दूसरे के ऊपर फोड़ रहे, कोई अपने स्वामी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, न तो आपका इनका जो ब्लॉक अध्यक्ष लेने के लिए तैयार है, ना कोई जिला अध्यक्ष लेने के लिए तैयार है। यहाँ तो ऊपर भी क्या कि एक दूसरे पे कर रहे हैं टांग की चाय कि नहीं मेरी वजह से नहीं उनकी वजह से आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये सामूहिक जिम्मेदारी है, इसमें सब लोगों की जिम्मेदारी आने की, व्यक्ति विशेष एक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर एक, आपको क्या लगता है कांग्रेस वापस नए सिरे से खड़ी हो इसके लिए क्या करना होगा प्रदीप जी? ये मूल कारण है कि यूथ मूवमेंट कांग्रेस को खड़ा करना पड़ेगा, हार का ये मूल कारण ही यही है। जब यूथ मूवमेंट खड़ा होगा वापस, युवा जुड़ेगा, युवा नीचे तक जाएगा, तो आने वाले अगले 2024 के अंदर एक 4 साल में युवाओं की एक नई टीम तैयार हो जाएगी। जो अभी वर्तमान सिस्टम है इसके आधार पर न तो आने वाले समय में अब कांग्रेस में न तो अशोक गहलोत जी पैदा हो सकते, न अहमद पटेल जी पैदा हो सकते, न अंबिका सोनी पैदा हो सकती, क्योंकि करोड़पति जो चांदी के चम्मच में पानी पी के पैदा होगा ना, वही यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी। आपने सही कहा, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से सोचना होगा। स्वाभाविक रूप से जो नेता तैयार हो ना, वो आपको कांग्रेस को मंथन करके करना पड़ेगा। की गई है एनएसयूआई में और यूथ कांग्रेस में, उस पर फिर से विचार करना होगा,
क्योंकि जब तक कांग्रेस पार्टी इन यूथ मूवमेंट को वापस नए सिरे से स्टार्ट नहीं करेगी, शुरू नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने में, उसको सफलता हासिल करने में थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा। अब मुद्दाग्रह में आप दोनों पधारे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार एल एल शर्मा जी और प्रदीप बोड़ा जी, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने मूल रास्ते से भटक गई है और जो यूथ मूवमेंट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का एक कैडर बेस वोटर तैयार होता था, कैडर बेस कार्यकर्ता तैयार हो रहा था, पिछले कुछ सालों से यूथ कांग्रेस और NSUI में कैडर बेस कार्यकर्ता तैयार होना बंद हो गया। जिस तरह से नियुक्तियां होने लगी, नियुक्तियों के माध्यम से जिस तरह चुनाव में अनाप शनाप पैसा खर्च होता है, आपसी दुश्मनियां बढ़ती है, उससे कार्यकर्ताओं में आपसी तालमेल बढ़ने के बजाय कहीं ना कहीं उनमें आपसी वैचारिक मतभेद ज़्यादा बढ़ गए हैं। और यही कारण है कि जब कांग्रेस पार्टी को उन कार्यकर्ताओं की फौज की आवश्यकता होती है, वो फौज कांग्रेस पार्टी के काम नहीं आ पाती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के को राष्ट्रीय स्तर पर इस बात पर मंथन करना होगा कि कांग्रेस में यूथ मूवमेंट किस तरह से शुरू किया जाए, कि वापस नए सिरे से NSUI और यूथ कांग्रेस में मनोनयन प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि आम कार्यकर्ता को, गरीब कार्यकर्ता को, किसान को, मजदूर को, सबको अवसर मिल सके जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनको अवसर मिले, तो फिर एक बार यूथ मूवमेंट खड़ा हो सकता है, तभी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लगने में सक्षम हो सकती है। मुद्दाक्रम में आज के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।